जय माता रानी मेरे YouTube फैमिली। और यहाँ पर देखिए पूजा हो चुकी है, आज है नवरात्रि का नवा दिन है, तो नवरात्रि है आज। और यहाँ पर मैंने आज भोग में लगाया है, पूड़ी हलवा बनाए थे माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर पूजा हो चुकी है और तब का ये वीडियो है, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी सोची कि शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। और ये देखिए पूजा मेरी हो चुकी है, धूप अगरबत्ती सब जो है हर एक जगह मैंने दिखा दिया था। और यहाँ पर देखिए और जो है श्रृंगार का जितना भी सुहाग का सामान होता है सब मैंने माता रानी के पास रख दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि और नवरात्रि का है नौवां दिन, तो आज है नवरात्रि। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी बड़े को मेरा प्रणाम है और छोटों को मेरा जी भर के आशीर्वाद है। आप लोग जितने भी मुझसे बड़े होंगे सभी मुझको आशीर्वाद दीजिएगा। अभी मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ और माता रानी को आज भोग में मैं हलवा और पूड़ी बनाई थी भोग लगाने के लिए। और आज देखती हूँ जाऊँगी अयांस को लेके मेला मंदिर जाऊँगी, मंदिर में भी पूजा करूँगी, खोंचा दूँगी। मंदिर में खोंचा देना पड़ेगा, आज है नवरात्रि का नौवा दिन है तो माता को खोंचा देना पड़ेगा। आज घर से लेके जाऊँगी सब कुछ और वहाँ पे मंदिर में भी पूजा करूँगी। पिछले बार तो दुर्गा पूजा में फौजी साहब थे, यानी कि पूजा का पांचवा दिन में ही फौजी साहब आ गए थे घर। तो दुर्गा पूजा, दिवाली और करवा चौथ, छठ, यानी कि सारा फेस्टिवल जो है मनाकर यहाँ से गए थे। तो बहुत इंजॉय किए थे पिछली बार, बहुत ज़्यादा इंजॉय किए थे, बहुत अच्छा लगा था। अयांस भी खूब सारा इंजॉय किया था। और इस बार नहीं है, क्या कर सकते हैं, फौजी आदमी हैं, हर एक साल तो नहीं रह सकते हैं ना, तो इस बार नहीं है। तो बस इस तरीके से आज हम रेडी हुए थे, हमको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम इस तरीके से जब रेडी होते हैं ना तो मुझे खुद अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है। और खास करके नवरात्रि में ना 16 श्रृंगार करके पूजा माता रानी का करो ना, तो माता रानी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो बस यहाँ पर ये जो चूड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, ये हम शिव का चूड़ी लिए थे। इसमें ना येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर तीनों साथ में है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को। और ये चूड़ी आप लोग ज़रूर बताना, ये चूड़ी मेरी हाथों पे कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना आप लोग। और बस मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसलिए मैं ले ली। तो भैया अभी रास्ते में थे, फ़ोन किए थे तो बोले मैं आ रहा हूँ। और ना हमको 12 बजे से पहले ही पूजा करना था, तो टाइम अभी 11 बज रहे हैं, तो बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरे मायके से 20-25 मिनट लगता है आने में। तो बस अभी भैया आ रहे हैं, तब तक मैं इधर दूसरा साड़ी पहन लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। और ये साड़ी पहन के हम घर में पूजा किए थे, अभी मैं मंदिर जाऊँगी ना रेड कलर की साड़ी पहन के जाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो बस बने रहिए आप लोग। सो अभी निकल रहे हैं, मंदिर निकल रहे हैं अभी। और इसमें हम सब कुछ ले लिए हैं, पूजा का सामान वगैरह जितना भी था सब ले लिए। अभी अभी बस निकल रहे हैं, भैया आ गए हैं, तो बस चलिए आप लोग भी। उसके बाद यहाँ पे पहुँच चुकी थी मैं माता रानी का दरबार, यानी कि मंदिर। तो अभी माता रानी का आप लोग पहले दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए दिल गार्डन, गार्डन मेरा हो गया माता रानी का दर्शन करके, बहुत ही मेरा दिल खुश हो गया। इतना सुंदर लग रहा था माता रानी देखने में ना, मन कर रहा था मैं देखती ही रहूँ, देखती ही रहूँ। और यहाँ पर देखिए खोचा,
मैंने सब कुछ जो है दे दिया है और बस अभी पूजा पाठ मेरा सब हो चुका था तब ये मैं वीडियो शूट की। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि शेयर करना पड़ता है। फिर आप लोग कहोगे कि आप मंदिर गए तो दिखाए ही नहीं, तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर लिया था तो आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो इसलिए मैं छोटा छोटा क्लिप जो है ना कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा और मैं यहाँ पे मंदिर से निकल चुकी हूँ देखिए। और मैंने दान पेटी में भी पैसा दे दिए थे और जो है वहाँ पर खोचा में भी पैसा दे दिए थे। और यहाँ पे भैया जा रहे हैं गाड़ी को लाने के लिए और मेरी दीदी का घर यहाँ पे पास में ही है तो अभी मैं दीदी के घर जाऊँगी। और ये देखिए माता का दरबार देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये हमारे घर से यानी कि ससुराल से ना थोड़ा सा ही दूर हटके है, 20 मिनट का रास्ता है, बस थोड़ा सा ही दूर है। उसके बाद देखिए फाइनली मैं दीदी के घर आ चुकी हूँ। ये मुझसे बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी है। इनका शादी में ना हम बस 3 साल का थे, 2.5 साल 3 साल का थे, बहुत ही कम एज का थे। और ना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है ये दीदी का शादी जब हो रहे थे ना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैं बहुत बच्ची थी, अयांश जितना बड़ा है ना उससे भी मैं छोटी थी। तो बस मुझे थोड़ी थोड़ी याद है ये दीदी को आप देख रहे हैं ना, ये किचन में जो खड़ी है ये मेरी दीदी है, मेरी सिस्टर यानी कि सेकेंड वाली सिस्टर है। हम 5 सिस्टर हैं तो ये सेकेंड वाली है और मैं जो हूँ ना मैं छठे स्थान पे हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, अपने भाई से भी छोटी हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए दीदी ये प्लेट में मिठाई और ये भुजिया नमकीन और ये बिस्किट मुझे और भैया को दी थी खाने के लिए, क्योंकि मैं फास्टिंग कर रही थी ना, जब तक मैं पूजा नहीं करती खोचा नहीं देती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती। और यहाँ पर देखिए मेरी दीदी जो है बात कर रही है, मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है ना उसका कॉल आया था। कहाँ आया है, एक बार खड़ा हो जाओ तब बोलो। वो कौन है ये कौन है, डुग्गू है, कौन है डुग्गू तुम हो, ये डुग्गू है। हाँ डुग्गू, चलो खड़ा दोनों। तो यहाँ पे अयांश की चल रही है मस्ती और ये दीदी जो है ये मेरी दीदी है, आप लोग देख लीजिए। और ना मतलब ये जो वीडियो है ना ये उस टाइम का है जब हम लोग फ्री होके दीदी के यहाँ खाना पीना, मतलब दीदी खाना वाना सब बना के रखी थी तो हम और भैया खा लिए थे। ये टाइम अभी लगभग 3 बज रहे हैं और यहाँ पर ये जो बच्चा देख रहे हैं ना आप, ये दीदी के यहाँ है, दीदी का देवर का लड़का है। और ये जो दोनों लड़की आप लोग देख रहे हैं ना ये मेरी दीदी का बेटी है, दोनों है। ये जो अभी देख रहे हैं ना ये बड़ी है और ये छोटी है, जो ब्लैक कलर का कपड़ा पहनी है वो छोटी वाली है और ये पिंक कलर में जो टी शर्ट पहनी है ये बड़ी वाली है। तो दोनों बेटी है, दो बेटी है एक बेटा है और वो वहाँ पे दीदी है। तो बस अभी यानी कि 3 बज रहे हैं लगभग, हम लोग ऐसे ही खा पी के, हवा चल रही थी ना तो हॉल में हम लोग बैठे थे तो हॉल से यहाँ पर आंगन में आ गए थे, अच्छा हवा चल रही थी। और यहाँ पर अयांश का मस्ती चल रहा था। अयांश ना ये बंदूक ख़रीदा था और ये चश्मा, तो ये ना यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था, ये जो बच्चा था ना बच्चा के साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो देखिए आप लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, आप लोग रियल चीज़ देखिए, बस रियल वॉइस देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये मेरी प्यारी बड़ी दीदी और ये मेरा प्यारा सा मोमेंट है, आप लोग ज़रूर देखिए इंजॉय कीजिए। लोगों को ये मेरी दीदी कैसी लगी ज़रूर बताना। बहुत लोग बोलते हैं कि ये दीदी और मैं एक मिलती हूँ, मिलता जुलता है हम दोनों का चेहरा, तो आप लोग बताना कि मेरा और इनका मतलब मिलता जुलता है कि नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं और दी एक जैसे दिखती हूँ, तो आप लोग बताना कि मेरी दी आप लोगों को कैसी लगी। तो ये ब्लॉग मेरा यहीं तक का था और मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस मिलती हूँ आप लोगों से
फिर अच्छे से ब्लॉग के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय माता रानी, बाय बाय।